पढ़ मेरा राजा, पढ़ मेरा बच्चा, बादशाह मेरा प्यारा बादशाह, 27, 49, 64, 27, 49, 64, 27, 49, 64, पढ़ मेरे बच्चे, पढ़ मेरा बादशाह, 27, 49, 64, 27, 49, 64। अरे ये तुम्हारे पीर साहब ने जाहिल मुर्गा पकड़ा दिया तुमको, हैं? ना ही ये सबक याद करेगा, ना ही हमारा प्राइज बॉन्ड निकलेगा और ना ही हमारी जान छूटेगी पक 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 से। अरे सुन रही हो अम्मा, अब्बा कह रहे हैं कि मुर्गा पीएचडी करेगा तभी तुम्हारा बॉन्ड निकलेगा। अरे इस घर का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जब मेरा प्राइस बॉन्ड खुलेगा ना तेरे अब्बा की अंडों की दुकान सबसे पहले बंद कराऊंगी। अरे सफेद फार्मी अंडे खा के मेरा खूबसूरत सफेद रंग फीका पड़ गया है। प्राइस बॉन्ड खुले ना खुले लेकिन भूख से मेरा दम जरूर निकल जाएगा। अरे पीर साहब ने कहा था कि पीर वाले दिन 333 बार ये नंबर दोहराना। पीर वाले दिन बादशाह की सारी हिस्से जाग रही होती हैं। अरे अम्मा आपको एक बात बताना भूल गई, आपकी प्यारी दामाद अहमद की कॉल आई थी। अरे फिर कोई फरमाइश आ गई, अब जहेज की लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। अरे हमारा जो होने वाला दामाद है ना उसके हाथ में कशकोल है और उसमें भी सुराख है, इन लोगों का तो पेट ही नहीं भर सकता कभी भी। ओए मेरा पढ़ मेरा बादशाह मेरा किंग। हाय भाई मेरे बच्चे याद करना, आज पीर का दिन है, 333 बार करना है, चल शाबाश मेरा बच्चा, 27, 49, 64। हम तो इश्क में भी कमाल करते हैं, आई लव यू लिखकर सेंड टू ऑल करते हैं। रहने रहने कुछ से ना हो पाएगा, घटिया शेरों से तू चांदनी का दिल नहीं जीत सकता। यार राजा सुना है कोई एक बार भी नजर भर कर चांदनी को देख ले उसकी नींद उड़ा दे। अंधा हो जाएगा भाई, ये मत भूल के चांदनी सिर्फ राजा की है। सुना है उसके हाथ संगे मरमर जैसे। और आंखें तो जैसे गहरी झील है, जो एक बार डूब जाए फिर निकल नहीं पाती। और होंठ हैं जैसे पंखड़ी गुलाब, जब चलती है तो जैसे बादलों पर चल रही है, जैसे हवाओं के संग संग डोल रही है। सुना है जब मुस्कुराती है तो जैसे मौसम गुनगुनाते हैं। कहा जा रहा है तू मेरा बच्चा? नहीं आएगा हाथ में, नहीं आएगा, भागो भागो जाओ भागो भागो। ठहर जा। हाय मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा, मेरा शेर। हाय हाय मेरा मुर्गा, हाय पकड़ो बादशाह को, हाय पकड़ो। आजा बादशाह, आजा मेरा बच्चा, आजा बादशाह, आजा मेरा प्राइज बॉय, आजा। माँ की बूटी हट गया, हाय हाय, आजा घराएगा मुझे बच्चा, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। अरे बादशाह, अरे मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है? अरे ये कमबख्त मारा राजा कहाँ गया? अरे वो राजा, अम्मा अब चल दिया। क्या हुआ? चल गया। अरे क्यों दीवाना बार चिल्लाती फिर रही है अम्मा सड़कों पे, क्या हुआ? मेरा बादशाह चला गया, मेरा प्राइस बॉन्ड। अच्छा, सुन, छोड़ दिया, हाय मर गई। अबे तेरी
अबे ये तो चांदनी के घर चला गया। ये देख, अदनान टोपी से चांदनी के घर में घुस गया। लश्कर है, देखते हैं। मोटे साले, नीचे उतर, नीचे उतर, उतर रहा हूँ, दो मिनट रुक। अरे चश्मिश प्रोफेसर, पास से गुजरती भैंस वगैरह दिखाई नहीं देती, मेरी चांदनी को देखने दरख्त पे चढ़ गया तू? बस सिर्फ एक झलक देखी है। सुन, चांदनी मेरी, किसकी? मेरी। तुम अकेले उम्मीदवार थोड़ी हो, हमारा भी हक है। ओ, ये झगड़ा छोड़ो, मिलकर ट्राई करेंगे, जिसका नसीब अच्छा चांदनी उसकी। ये ठीक है। चांदनी, कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं? कुछ भी। तुम आज बहुत हसीन लग रही हो हसीन। बचपन से चांदनी मिल गई मुझे। निसार साहब, आप तो तुम क्या समझे थे कि मैं अपनी बेटी की शादी यूं ही कर दूंगा? मैं कुछ भी करूंगा सर आपके लिए। कुछ भी करेगा? गोटे सरा कहाँ गई? मैं चक्कर क्या? अबे तू रुक, क्या हुआ? क्या चली गई? चली गई? हाँ चली गई। सालों लड़की देखनी हो गए शुरू। मुर्गा ढूंढो मुर्गा। अरे मुर्गा ना मिला तो हम तीनों को मुर्गा बना देगी। बाबा आप फिर से दवाई लेने भूल गए ना? अरे बेटा कोई बात नहीं, एक दिन बगैर दवाई के रह लेंगे यार। नहीं वापस मोड़े, वापस मोड़े आप। क्या हो गया तुम्हें? एक देर हो जाएगी क्लास में। अच्छा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर की दी हुई दवाई नहीं लेते आप खुद? ओके बाबा मोड़ लेता हूँ, ठहर जाओ। ओ बहुत जिद करती हो लड़की तुम। अबे कुत्ता इधर तो। अबे इसको तो बताना भूल गया, चांदनी का कुत्ता भी अंदर है। अबे इसको तो काटेगा ये। हाँ तू अंदर जा, बचा इसे। मैं नहीं जा रहा। अबे मुझे लग रहा है वो अंदर बात से वो खा गया। तेरा दोस्त मैं जा, बचा। नहीं जा रहा, तू जा। मैं अपनी साथ पुलिया में नहीं जा सकता। बादशाह, बादशाह, अरे अम्मा, बादशाह। चलो जल्दी लेके आओ, शाबाश। मैं वेट कर रहा हूँ। लेके आओ दवाई। मैं दवाई। इस कबाब तो वापस आ गया। अबे राजा का तो बच गया बाजा। चल चल, छुप छुप छुप। What's wrong, Timmy? What's wrong? What's wrong? क्या हो गया? खींचते हैं, ठीक है? कट लो बॉस, नहीं तो बहुत पिटेंगे। हाँ बहुत पिटेंगे। चल यार। दवाई कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी। वो घड़ी के पीछे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुम? चोर नहीं। वो प्राइस बन वाला?
वही। वही बादशाह जो आज यहां पर एक प्यादे की तरह मरा पड़ा है। वो देखिए ना समझ औरत, मुर्गा चिल्ले के आखिरी मराहल में था। रात को मेरे ख्वाब में आकर मुर्गे ने कहा कि मुझे प्राइस बॉन्ड का नंबर जुबानी याद हो गया है और मुझे जिबा करो जुम जुम जिम जिम। पीर जी, मैं तो रोजाना इस चक्कर में रहता हूँ कि उस मुर्गे को हलाल करके खा जाऊं, लेकिन ये तुम्हारी चेली मुझे नहीं करने देती। ढूंढो ढूंढो से, वरना नसीब का काला बादल तुम्हारे अंडों की सफेदी को खा जाएगा। तुम लोग कंकाल हो जाओगे, कंकाल। बस बस बस, आराम आए। ये खामा खत्म मारा राजा। अच्छा किया मारा। अरे बिना पूछे आपके घर में गुजार। तुम कितने मासूम हो, है ना? I'm sorry, मेरे कुत्ते ने तुम्हें काटा और फिर बादशाह को मार दिया। फिर क्यों काटेगा? क्या मतलब बड़ा अच्छा काटता है, प्यारा कुत्ता है, कुछ कुछ अलग है उसके काटने में ना, वो है वो मिठास है। अच्छा, अरे चांदनी कहाँ रह गई हो? बाबा, बाबा नहीं, राजा। राजा नहीं, बाबा आ गए। अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं दरवाजा खोल के जाऊंगी। मुर्गे की लाश को ले जाना, दीवार फैलान के जाना, बाबा ने देखे तो खत्म हो जाएगा। और I'm really sorry, I really hope कि तुम्हारा प्राइस बॉन्ड निकला है। क्या हो गया भाई? बाबा वो मुर्गा बादशाह। बादशाह मुर्गा? ये क्या ऑल फॉल कह रही हो तुम? दवाई मिल गई। गुड। वो अब मैं डॉक्टर करूंगी ना, आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारी लापरवाही खत्म करने के चक्कर में हूँ। अब नया मोहल्ला, दरवाजा बंद किया तुमने? बाबा जाए मैं। अरे मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ, ठहरो भाई, हद हो गई। समझा समझा के थक गया हूँ, समझ ही नहीं आती हद। अब तो दरवाजा बंद कर दिया मैंने। चलो 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 चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, देर हो गई है, आ जाओ भाई। अरे क्या हो गया, ये इतना शोर क्यों कर रहा भाई? हाँ वो बस ऐसे ही, चलो चलो जल्दी जल्दी, देर हो रही है। अदनान, नदीम, खोलो ना यार, आके बंद कर मुझे। नदीम इसे बंद रहने दे, कहीं बाहर निकल के हमें ना काट ले। हाँ तू लटका रहे खिड़की में बंदरों की तरह, अब उसका बाप आएगा और कुत्ते को साथ लाएगा। अबे कैसे दोस्त हो यार, अबे बचाओ ना यार। आ जा, अबे पता बादशाह को भी मार दिया उस कुत्ते ने। क्या, उस कुत्ते ने बादशाह को मार दिया? भाई अब बांधो गाला का पीर झुंझुन वाला आएगा और तुझे बादशाह के साथ ही दफन करेगा, और उससे पहले चांदी का बाप आके तुझे पुलिस स्टेशन में हमेशा के लिए बंद करा देगा, हमेशा के लिए। मजाक की आदत नहीं गई तुम लोगों की है? कोई कोई जगह नहीं देखते हैं, मजाक कर रहे हो ना? हम तो जा रहे हैं, क्या बाय बाय, अंदर फंसा रहे, हम तो जा रहे हैं बाय बाय। अबे नान नदीम, ओए अबे सलाम। अच्छा किया मारा। अरे बिना पूछे आपके घर में गुजार। तुम कितने मासूम हो।
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तू कहाँ चला गया? बच्चा मिल जा बच्चा, आजा बच्चा, आजा बच्चा, बच्चा 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 कभी मुर्गा कभी शेर और कभी ये रीछ नुमा पीर, जिंदगी हराम कर दी है तेरी माँ ने मेरी, पूरा का पूरा चिड़िया घर जमा कर लिया मेरे घर में। अब्बा आराम से बोलो, उस मुर्गे से मेरी माँ के जज्बात जुड़े और हमारी किस्मत। हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे तो कभी मुस्तकबिल और जज्बात जोड़ने की कोशिश नहीं की, ये पीर और ये मुर्गा बस दोनों, और इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं। खुदा की कसम, अब के ये मुर्गा मुझे मिल जाए, इसी पीर के सामने अगर जिबा करके ना खाया तो मेरा नाम भी न्याज नहीं। पहले पीर मुर्गे के चक्कर में अंडे खाता था और अब मुर्गा गुम होने के चक्कर में ये लड्डू खा रहा है। जान से मार दूंगा जान से। तुम गए क्यों नहीं हो? अरे तुम्हारे पास दरवाजा बंद करके थे, मैं किधर जाता हूँ? नीचे उतरो। अच्छा बाबा भी बाहर गए हैं, तुम जाओ। पाऊं ठीक है ना? दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा मैं दवाई लगा देती हूँ, आजा आजा। बादशाह मर गया क्या? बादशाह मर गया? मैं हार नहीं देखूं, तुम्हारे हाथ में तो है। अरे अम्मा तो रो रो के बुलाकर सर पे उठा लेगी, ये क्या हुआ? अम्मा क्या, तो सारा मोहल्ला रोएगा। तुम्हारी अम्मा ने मुझसे वादा किया था कि प्राइज बॉन्ड मिलेगा तो मुझे रक्षा लेके देगी। मैं रोजाना उसका 300 रुपए कमा के, अब तो बादशाह ही मर गया। अरे क्या होगा, मैं तो नहीं हूँ बादशाह में। चुप कर रहे, कितना बुरा रोता तू। ओ भाई, ओ भाई, मैं तो नहीं हूँ भाई, मेरा प्राइज बॉन्ड मिल गया। ओ ना बता किसी को, ओ भाई, ओ पागल है क्या? ना बता, चुप चुप चुप। अरे अम्मा सबर करो। हाय मेरा प्राइज बॉन्ड, हाय मेरा प्राइज, मेरी शादी का क्या होगा? अरे क्या हुआ? हाय न्यास, हाय मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। क्या राजा गया? क्या हो गया अब्बा? कौन गया यही मैं? अरे मेरा राजा तो यहाँ है। हाँ। अबे तो कौन मर गया है? अरे मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा, मेरा प्राइज बॉन्ड। हाय मनुष्य मरते मरते भी नुकसान करा गया, अंडे फोड़ गया। अरे मेरा बच्चा, मेरा प्राइज बॉन्ड। अबे बात सुन, जब इसकी जान जा रही थी तो तूने उसी वक्त हलाल क्यों नहीं कर लिया इसको? अबे क्या उस वक्त तू मलकुल मौत से एनआरओ कर रहा था है? अबे इसने हमारा इतना माल खाया, इसे खाना तो अब बनता ही बनता था। अरे किसी ने हाथ भी लगाया? अरे राजा जा जाके मस्जिद में ऐलान करा। आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, आए आए। अम्मा बस कर दो, कराओ जाओ क्या? आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, बस कराओ। मैं चला गया, मैं क्या करूँगी? आए मैं क्या करूँगी, मेरा प्राइज बॉन्ड चला गया। हजरत एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। न्याज भाई अंडे वाले के चहीते बेटे बादशाह का आज इंतकाल हो गया है। तमाम अहले मोहल्ला से दरख्वास्त है उनके दुख में शरीक हों। चले बाबा खाना तैयार है। अरे एक सेकंड बैठो, ये मोहल्ले में कौन है बादशाह खान जिनका इंतकाल हो गया भाई? ओ
ऐसा नहीं होगा कोई बात। अरे नहीं कैसे होगा, बुरा लगता है भाई, जाके पता करना चाहिए कौन है कैसे मरा, ये तो हमारा फर्ज बनता है, पड़ोसी है ना। अच्छा बाबा खाना लग गया, खाना खाने मैं कल चली जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी, मैं जाऊंगा, हम दोनों जाके पता करेंगे भाई, पता नहीं कौन था कैसे मर गया मालूम करना चाहिए। बेटा देखो ये पड़ोसियों पे हमारा हक होता है, उनका हम प्यार होता है ना। हाँ, कल हम वहाँ चलेंगे। हाँ ठीक है, अभी तो हमें खा लो, कल दोपहर का खाना मत बनाना, वहीं जाके खाएंगे। बाबा कैसे बताऊं कि बादशाह एक मुर्गा था और मर भी हमारी टीम के हाथों से। राजा अरे बता तो सही, मेरा बादशाह मरा कैसे? कुत्ते की मौत मर गया अम्मा, मतलब अम्मा कुत्ते ने मार दिया, अरे उसे बचाते हुए देख रहा कितनी चोटें लगी हुई। आए आए मेरा राजा, जुन 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 बादशाह मरा नहीं, कुर्बान हुआ है, शैतानी ताकतों के आगे डट गया और फिर अपनी जान दे दी। क्या बात कर रहे हो यार, दुन 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 दुन। वो कोई मामूली मुर्गा नहीं था, चंगेज खान के दस्तरखानों की जीनत बना है वो, कोई मुगल बादशाह ऐसा नहीं जिसने बादशाह के पाप दादाओं के लेग पीस ना खाए हो। सुन राजा, बादशाह को इसी मोहल्ले में दफन करना और आज के बाद इस मोहल्ले का नाम होगा बादशाह चौक। दंग रह जाएगी दुनिया जब खुलेगा अपना प्राइस बॉन्ड। अरे कहाँ फंसा दिया झुंझुन वाले ने यार। राजा तुम्हारी अम्मा ने सब कमेटियां बादशाह पे लगा दी, अब वो कैसे और कहाँ से कमेटियां भरेंगी? अरे अम्मा को तो अभी भी लगता है कि प्राइस बॉन्ड निकलेगा, मेरी तारीख है पैदाइश वाले नंबर का प्राइस बॉन्ड लेकर बैठी है, मुझको लगता है लकी हूँ मैं। लो अबे तुम दोनों अभी तक यहाँ इस मुर्गे की कब्र पे बैठो, मेरी बात गौर से सुन लो, चांदनी का ख्याल अपने दिल से निकाल लो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो उसका बाप इस मुर्गे की कब्र के साथ अपनी कब्र भी खुदवा देगा। क्या अरे क्या बात कर रहा है, होश में तो है तू? अरे होश तो कसाई के बेटे शाकिर के उड़ा दिए थे, इस शाकिर ने अपने खून से खत लिखकर चांदनी के घर पे खत फेंका था, तो जैसे ही चांदनी के बाप को पता चला उसने शाकिर को पकड़ा और ब्लड बैंक में जाके चार खून की बोतलें निकलवा ली। तू क्यों डर रहा है, तुझे तो एक बार मच्छर ने काट लिया, उसने जाके बाकी मच्छरों को बोला अबे इसको मत काटियो, किसी काम का नहीं तेरा खून भाई। मैंने तो पहले ही बताया था कि सब साथ मिलकर ट्राई कर लेते हैं यार। अच्छा वे चांदनी ना हो गई बिरयानी हो गई, मिलकर बनाओ मिलकर खाओ हैं बा। इन दोनों बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि चांदनी के दिल में अब मैं रहने लगा हूं, डेट पर बुलाया मुझे राजा, इनको रास्ते से हटाना होगा। भाई सुनो भाई सब, भाई अगर चांदनी को हासिल करना है तो उसका रास्ता उसके बाप के दिल से होकर गुजरता है, तो बाप जिसकी मुट्ठी में चांदनी उसकी। ठीक है ठीक है। मुश्किल है भाई, कमाल है यार, पर ये क्लिनिक में क्यों बुला लिया, चांदनी बड़ी मासूम है लगती वैसे नहीं। अरे पहली बार बुलाया भी तो क्लिनिक में, पगली को ये भी नहीं पता लड़का लड़की पार्क में मिलते हैं। ठीक है राजा? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कौन है और ये इंजेक्शन क्यों है? इंजेक्शन बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, कुत्ते ने काटा है तुम्हें। क्या? तो इसलिए बुलाया था मुझे तुमने? क्या? हाँ मुझे फिक्र है तुम्हारी, तुम कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ये भी ठीक है, ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए तुम्हें यहाँ सारी जिंदगी टिप्पणी लगवा सकता हूँ। आए भाई लगाइए। लगा
40 आदमियों का खाना दे रही हूँ मैं बादशाह के सारे सवाब के लिए। अब अपनी जेब भी नहीं करो, 50,000 से मुर्गी की 10 किलो की रानी लेके आओ। मुर्गी की 10 किलो की रानी? अरे भगवान, ये क्या कर रही है तू? ये साले सवाब नहीं होगा, बादशाह की रूह तड़पेगी। अरे वो गुस्सा होगी इसकी रूह तुझ पे। वो जो 10 किलो मुर्गे की टांगे होंगी वो बादशाह के रिश्तेदारों की तो होगी। जरा सोच, अकल पे हाथ मार। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैंने तो सोचा ही नहीं था। हाँ, तारी मुर्गियाँ तो बादशाह के रिश्तेदार है ना। हाँ, आए तोबा तोबा, मुझसे क्या खतरा होने जा रही है। तोबा, वाह वाह न्याज अंडे वाले। आज पहली दफा पता चला कि तुम्हारे दिमाग में अंडे नहीं भेजा भी है। और क्या? अब मैं ऐसा करती हूँ, मटन का कोरमा बना लेती हूँ। ओ बेड़ा गरक। इसका मतलब है 150 दर्जन अंडों की कमाई गई तो बादशाह कब्र में भी तेरे कीड़े पड़ेंगे और वहाँ जहन्नुम में तेरा ब्रोस्ट बनेगा। ब्रोस्ट देख लेना। अरे ब्रोस्ट ब्रोस्ट छोड़ो, पैसे दो बेटे को और राजा तू बाजार जा, 4 मोटी मोटी बकरे की दाने लाना। हाँ, मैं चली प्याज ब्राउन करने। समझ आई तुम लोगों को? माँ सुन, जो कर रही है ना करने देना, वरना सारा नजला तो उस पे गिराएगा। बॉन्ड ना निकला तो चीखने का मौका भी नहीं मिलेगा इसे सारे सवाब के चक्कर में। तो बस मेरा बेटा अपने बाप की एक नसीहत याद रखना, बड़े 10 मुर्गे पाल लेना बादशाह की तरह, लेकिन शादी ना करना। चुप मत, नहीं है से खड़े हो जाओ। आंटी को देख रहे थे? हेलो आंटी, बेचारी रो रही है। हाँ, मैं भी उसे नहीं देख रहा था, मुझे भूख लग रही है। खाने में क्या? कोरमा होगा ना, बिरयानी। आप हैं न्याज अंडे वाले? जी हाँ, मैं ही हूँ न्याज अंडे वाला, वो अंडे की दुकान है ना। आप गालिबन निसार, मास्टर निसार? जी जी जी। भाई बड़ा अफसोस हुआ आपके बेटे का सुन के, बस यकीन जानिए बहुत दुख हुआ। अल्लाह की चीज थी। हाँ, मैं हाजिर हूँ। हाँ, अभी मैं ये कह रहा था कि अच्छा खाना खाकर जाएगा, अभी देख मंगाइए। बच्चे की उम्र क्या थी? यही 3.5 साल आप देख लीजिए। ये मुर्गा? ये मुर्गा नहीं, ये बादशाह है निसार साहब। इसका ऐलान मस्जिद में करवाया था। अल्लाह आने वाला कौन अजीब लोग तुम लोग? यार चांदी बजाओ, तुम आ जाना। बाबा आ भी जाता हूँ मैं यार, हटो दफा करो। अरे खाना, अरे बेटी। अरे हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। सॉरी, उस दिन मेरे तो सही तरह से बात नहीं हो पाई थी। आओ कैसे? बेहतर है। अच्छा लगा मुझे आप मैयत पर आई। ज्यादा जोर से तो नहीं काटा था तुमने? नहीं नहीं, प्यार कर रहा था वो तो। बड़े मजाक है ना। आपको पता है आप मेरे साथ हो ना, मैं टिम्मी की पूरी फैमिली से लड़ सकता हूँ। रहने दो,
तुम सिर्फ नाम के ही राजा। मैं तो सिर्फ चांदनी का राजा। पता है मैं भी चाहती हूँ कि सिर्फ राजा की चांदनी हो, तुझे मेरे ख्याल में नहीं। क्यों? मैंने जिंदगी में बाबा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं किया। हमारे एक होने के लिए पापा की मर्जी होना बहुत जरूरी है। वो मान गए तो चांदनी सिर्फ तुम्हारे लिए चमकी। अगर ना माने तो ये चांदनी हमेशा के लिए बच जाएगी। अरे क्या अम्मा ने रोज ड्यूटी लगा दी, रात को आओ बादशाह की कब्र को पानी लगाओ फूल चढ़ाओ। अरे अबे यार चांदनी का बाप तो बड़ा ही खरूस निकला, जब मदद करने जाओ लात मार के भगा देता है। ओ ये राजा है ना राजा, ये हमें जानबूझ के उसके बाप से जलील करवा रहा है ताकि हम उसकी निगाहों से गिर जाए। अबे तुम गिरे हुओं को मैं क्या गिराऊंगा, चांदनी को हासिल करना है ना तो किस्मत आजमाओ किस्मत। अबे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ सिर्फ अपना प्राइस बॉन्ड लगने का। इधर मेरा प्राइस बॉन्ड लगा, उधर उसके बाप ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया, क्योंकि उसका बाप उसकी शादी एक अमीर घर में करना चाहता है। तो बेहतर होगा कि तुम चांदनी के ख्वाब देखना छोड़ दो दोस्त। वाह 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 वाह, यानी तुम्हारे लिए हम ऐसी रास्ता खाली छोड़ दें? नहीं राजा नहीं, हम ये मैदान छोड़ के नहीं जाने वाले। हाँ, हर दाव आजमाएंगे, जो बन पड़ेगा करेंगे, तुम्हारे प्राइस बॉन्ड लगने का वेट नहीं करेंगे। वाह वाह मेरे शेरो वाह। मैं तो बस तुम दोनों को आजमा रहा था, वरना कहाँ चांदनी कहाँ मैं। अरे 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 क्या बात है क्या बात है, ये हुई ना दोस्तों वाली बात, हमारे लिए पीछे हट गया। हाँ यार बस। अब मुझे याद है, मुझे अब्बा ने भी बुलाया था काम के लिए, मैं तो भूल ही गया था अब्बा का काम। मैं चलता हूँ ठीक है। हाँ सुन, ये नदीम तुझसे पहले बाजी ले जाएगा बता रहा हूँ तुझे। हाँ अरे ये तुझसे पहले अब्बा के दिल में घर कर जाएगा चांदनी के। कैसे? मैं तुझे एक आइडिया दूं। बता। सुन चांदनी के बाप को शीशे में उतारने चला, अब देख तेरा दिल कैसे कर्ची कर्ची करता हूँ मैं। रुक बेटा, चांदनी मेरे मतलब चांदनी के बाबा। कैसे आपकी गाड़ी का कोई शीशा चुरा रहा है, आके पकड़ना उसको जल्दी से, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। चोरी कर रहा है, शीशा बेचेगा और नशा करेगा। नहीं अंकल, मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ। पढ़ने वाला बच्चा है? वैसे जरा शक्ल से तो अच्छा खानदान का लगता है। मैंने मेडिकल कॉलेज में एंट्री टेस्ट दिया, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे पूरे चैप्टर याद है। फिजिक्स सुनाओ, बॉटनी सुनाओ, बायोलॉजी सुनाओ। एकदम नहीं बोलना, ना अच्छी बात थोड़ी करके पड़ेगा की बात है। अंकल ये तो छोड़ दे। अच्छा अच्छा सॉरी बेटा, और क्या कहा था तुमने, तुम डॉक्टर बनना चाहते? जी जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अरे भाई मेरी बेटी भी डॉक्टर बनना चाहती है, मेरा इरादा ये है कि मैं उसकी शादी भी किसी डॉक्टर से कराऊं। डॉक्टर से है ना। चांदनी बेटा इधर आओ, देखो मेहमान आए घर में, चाय लाओ। अंकल बिस्किट भी मंगा ले। अच्छा हाँ भाई चाय लाओ, बिस्किट भी लाओ। जी बाबा। हाँ बेटा आओ, देखो भाई मेहमान आए, चाय लाओ चाय। ये मेहमान? हाँ बेटा। हाँ भाई ये डॉक्टर बन रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मोहल्ले के लोगों का मुफ्त इलाज कराऊंगा। तुमको तो खुद इलाज की जरूरत है जी। मेरी बेटी को असल में मजाक की बड़ी आदत है। अब मैं एक सेकंड में आया बेटा, तुम चाय चाय का बंदोबस्त करो, मैं आता हूँ मैं आता हूँ। कैसी हैं आप? ये क्या है? ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू टाइट कर लो।
राजा की तरकीब तो काम आ गई। अबे क्या यार, तुम्हारे पापा उस लड़के को पकड़ के अंदर ले गए, शीशा चुरा रहा था वो गाड़ी का। क्या चोर? वो शीशा चुरा रहा था, लेकिन बाबा तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे डॉक्टर बनने जा रहा है। अबे कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बन रहा, वो एक नंबर का शैतान है वो। मोहल्ले की लड़कियां 10-10 फुट दूर चलती हैं उससे। तुम्हारी टीमी को मिर्चें खिला दी उसने उस दिन, जरूर उसने बाबा को भी कोई गोली कराई है, बता रहा हूँ। तुम फिक्र ना करो, आज उसकी शैतानियों का तो खूब जवाब दूंगी मैं। मगर मुझे टेंशन हो रही है राजा, बाबा मेरे लिए किसी लड़की को पसंद ना कर ले, मैं मशरक की लड़की हूँ, इनकार नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी बादशाह की मैयत पे बाबा को तुम्हारी फैमिली को खास पसंद नहीं आई थी, प्लीज जल्दी कुछ करो। नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते। वैसे आज तक तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं है राजा, एक रिंग ही दे दी थी मोहब्बत के नाम की। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, चल ओके। अब अंगूठी कहाँ से लाए? उठाओ उस अंडे वाले के बच्चे को और निकाल के बाहर फेंक दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे राजा को, राजा मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। देखिए मैंने अंगूठी पहनी उसके नाम की, देखिए देखिए। स्टॉप वर्किंग, उठाओ उसको, फेंको। अंगूठी तो हम भी ला सकते हैं, ला सकते हैं। हाय हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्या हो गया मेरी जान, डर गया क्या? नहीं बस खाब। अरे हाय, आजकल कुर्सी पढ़ के सोया करना, खाब नहीं आते फिर बुरे। अच्छा ले ये बटवा पकड़ अपना। क्या है यार अम्मा, कितनी बार मना किया अब्बा के बटवे से पैसे लिया कर, मेरे नहीं। अरे मैंने तेरे बटवे से चाबी निकाली थी तिजोरी की, उसे अरके गुलाब में धोकर पीर साहब के बाल से लपेट कर चाबी वापस रख दी। पीर साहब का ये कहना है कि तू हमारे लिए बड़ा लकी है, चाबी तेरे पास ही रहे तभी तो बॉन्ड खुलेगा। वैसे बेटा तेरा नसीब है बहुत अच्छा, और नंबर भी ना तेरी पैदाइश वाला ही है, इसलिए बॉन्ड जरूर निकलेगा। मैं लकी हूँ ना, ये तिजोरी में पड़ा प्राइस बॉन्ड जरूर लगी है, क्योंकि अब इसे बेचकर ही मैं चांदनी को अपने नाम की अंगूठी पहनाऊंगा। हम खरीदूंगा चांदनी के लिए अंगूठी। मुखर अम्मा, अच्छा ना मना लूंगा ना अम्मा को। और प्राइस बॉन्ड वैसे भी कौन सा लगना था यार, छोड़ ना। आज आधे पैसों में प्राइज मोड लिया है, 40,000 वाला 20,000 में, अब्बा को बताऊंगा। आराम से आराम। तो वो चांदनी हो जो सिर्फ फिल्म में नजर आती है, और तुम वो राजा हो जो मेरे दिल पर राज करते। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मैं तुम्हें थोड़ा पागल हूँ। अम्मा भी कहती है ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाए, गाइस कैरेट की है, तुम पे बहुत सूट करेगी। तुम तो वाकई मेरे लिए अंगूठी ले आए, मोहब्बत की निशानी। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता चांदनी। बहुत खूबसूरत नाम जरा। ऐसे लगता है ये हफ्ता मुझे अंगूठिया मिलने का है। डॉक्टर हफीज मेरे लिए अंगूठी ला रहे हैं ना? वो अंगूठी क्यों लाने लगे? उनको तो सिर्फ दवाइयां लानी चाहिए ना, ये वो ही है ना वो तुम्हारे अब्बा के डॉक्टर। हाँ अब्बा के डॉक्टर है, लेकिन अब वो मेरे दिल के डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। सॉरी डॉक्टर लेट हो गई, इस हफ्ते मेरी उनके साथ मंगनी है। अब्बा कहते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा घर है और पैसा ही पैसा है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो इसलिए दिल की बात कर रहे हैं। सच पूछो तो मैं जाने दिल की उदास हो जाए, लेकिन बाबा का सोचती हूँ तो खुश हो जाता है, उनके सारे अरमान जो पूरे होने जा रहे हैं। दो ही तो ख्वाहिशें हैं उनकी, मुझे डॉक्टर बनाना और मेरी शादी किसी डॉक्टर से। और तुम्हारे दिल का अरमान? इसलिए तो कहती थी जल्दी करो, लेकिन तुम
बस अब बाबा ने फैसला कर लिया, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी, दुनिया के सबसे अच्छे फादर, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे चांदनी आए बाबा। अच्छा मैं जाती हूँ राजा, मेरी मंगनी में जरूर आना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे होने वाले शौहर से मिलो, वो टाइम का बहुत पक्का है, तुम भी पक्के रहना। नजर नहीं आता क्या, अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? शीश शीश उनके पास बहुत बड़ा घर है और वैसे ही पैसा, मेरी मम्मी में जरूर आ, चाहती हूँ कि तुम मेरे होने वाले समझ से लग रहा है आज बादशाह के मरने का कब हुआ। क्या हो गया राजा, वो किसी ने कुछ कहा है तो तू बता, हम तेरे लिए जान लड़ा देंगे। तो हमारे होते हुए तू क्यों परेशान होता है, कुछ बोल तो यार, चुप क्यों है, क्या हुआ? अरे बोल तो, बोल ना, बोल ले। ओ बोल ले, इस मुर्गे की कब्र ने तो मुझे अंधा ही कर दिया था। अरे ये दोनों कुर्बानी के बकरे मुझे पहले क्यों नजर नहीं आए? मैं तो तुम दोनों की वजह से उदास और परेशान हूँ। क्या मतलब? अरे पागल पागल हो गया क्या? अबे वो डॉक्टर हफीज है ना, वो अपनी लेटेस्ट कार में आ रहा है अंगूठी पहनाने चांदनी को, मंगनी हो रही है उसकी। क्या, ये नहीं हो सकता, डॉक्टर हफीज को मेरी लाश में से गुजर के चांदनी के घर तक जाना होगा। अरे वो वैसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चले जाते, तेरी लाश को भी स्पीड ब्रेकर समझ के पार कर जाएंगे। देखो देखो, मैं तुम दोनों को एक मशवरा दे सकता हूँ। तो फिर देना मशवरा, क्योंकि चांदनी मेरी है। ओ भाई चांदनी मेरी है, तेरी भाभी है। चांदनी मेरी है, 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 मैं बोल रहा हूँ चांदनी मेरी है, तेरी मेरी मेरी तेरी। चांदनी किसकी है, इसका फैसला बाद में टॉस करके कर लीजो, अभी इस डॉक्टर का कोई हल निकालना पड़ेगा। डॉक्टर हफीज का तो वो हाल करो कि वो खुद डॉक्टर के पास पहुंच जाए। क्या मतलब, कैसे? देखो कितने पैसे ये। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक ही है। दंग रह जाएगी दुनिया जब अपना ये किस काम का है मेरे? सही से लगा, पूरा कर पूरा। मुझे लगा कि तुम उदास हो गए। ना, राजा ने कभी उदास होना सीखा ही नहीं, हर हाल में हमेशा खुश रहता है। अच्छा तो दुल्हन बनने के लिए तुम मुझे ब्यूटी पार्लर लेके जाओगे? हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ मैं अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाऊं। तुम क्या ब्यूटिशियन हो? हाँ मैं मैजिशियन हूँ, मैजिक से कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों राजा, लेकिन हमारे बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। तू क्या देख रहा है, काम कर। कमाल कर दिया तुम दोनों ने यार, दोस्ती का हक अदा कर दिया तुमने। सामने तो चूम लेता पर मुश्किल है थोड़ा। नहीं राजा, बाद में बात करते हैं। चलो ब्यूटी पार्लर चले। पार्लर? अब पार्लर क्यों जाना है? अब तो बस तो क्या मतलब? अब्बा बाबा।
क्या हुआ बाबा, सब खैरियत तो है? इनकार कर दिया इसके बाप ने। बड़े अजीब तरीके से बात कर रहा था, वजह भी नहीं बताई। मैंने कहा भाभी से बात करा दो, फोन पे नहीं आया। बात करने के काबिल होगा तब बात करेगा ना अंकल। खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसले होते हैं। अगर वो कोई एक दर बंद करता है तो वो दूसरा जरूर खोलता है। मेरा मानना है कि चांदनी के लिए उसने यकीनन कोई ना कोई हसीन खूबसूरत नौजवान बाहुनर बासलाहियत नौजवान चुन के आपके सामने रखा हो। बस देखने वाली आंख चाहिए अंकल। हफीज का चैप्टर खत्म, लेकिन एक रास्ता बंद होता है ना, दूसरा खुल, उस पर जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाएगी। नहीं, बात बिल्कुल तुमने 16 आने सही कही है। मेरे फादर भी यही बात क्या करते थे, तुमने उनकी याद ताजा करा दी। एक बात है, वो तो अंडे वाले के बच्चे, लेकिन सोई हुई उम्मीदों को जगाने का काम खूब कर लेते हो। हैं चलो, गिव इट अप। थैंक यू सर। अंडे वाले बहुत जॉली हैं बने, कमाल आदमी हैं अंडे। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो राजा। तुमने सिर्फ अब्बा को ही नहीं बल्कि मेरे दिल को भी जीने की नई उम्मीद दे दी है। लेकिन बहुत देर ना करना, अगली दफा शायद को इनकार ना करें। क्या हो रहा है? कोई काम सही नहीं होता तुमसे। नहीं सर, आप रुके, मैं जाता हूं। तो बड़ी खुश नजर आ रही हूँ। मैं तो सोच रही थी रिश्ता टूटने के बाद तुम कहीं बैठ के रो रही होगी। लगता है ख्वाबों का शहजादा मिल गया। शहजादा नहीं, राजा मिल गया, और वो भी ख्वाबों का नहीं, वो बानो आपा नहीं है उनका बेटा। He's a good boy. I like him. क्या, बानो खाला का बेटा राजा, वो अंडे वाले का बेटा? उसके बारे में तुम जानती क्या हो? कितनी लड़कियों को वो बेवकूफ बना चुका है। राजा ने तो मुझसे भी मोहब्बत के वादे किए थे। ये देखो उसके मैसेज। अरे क्या यार अम्मा, क्या जिम्मेदारी लगा दी। रोज आओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्तियां जलाओ, पानी लगाओ। चांदनी, बादशाह की वजह से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी, इसीलिए इसी कब्र पे फूल डाल रहा हूँ। और आपके टिमी को तो मैं सलूट करता हूँ, जिसने बादशाह को कुत्ते की मौत मार के हमारी मोहब्बत को अमर कर दिया। बिल्कुल धोखेबाज, कहना से भी ऐसी मोहब्बत की थी ना तुमने, ऐसा ही प्यार किया था, मुझे भी ऐसे वैसे लड़की समझ लिया। अरे लेकिन सुनो चांदनी, वो माजी था मेरा, मैं बदल गया हूँ, सुधर गया हूँ अब मैं। तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया है मेरा दिल। चुप रहो, एक लफ्ज मत कहो। झूठ, इंसान हमेशा अपने माजी से पहचान जाते हैं। मुझे तुम पर जरा भरोसा नहीं रहा। चांदनी अच्छा करके गई वो, तुम जैसे इंसान को जलील ही होना चाहिए। हिना ने हमें सब बता दिया। भाई तूने चांदनी को पाने के लिए हम दोनों को धोखा दिया, झूठ बोला। अपना रास्ता बनाता रहा और हमें रास्ते से हटाने के लिए उल्टे मशवरे देता रहा। तुझ जैसा घटिया शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। चल यार, चल यार। मेरा बादशाह मरते मरते हमें अमीर कर दिया।
घर पर बेचो, करोड़ों का मकान लो। सही कह रही हूँ अम्मा, अब तो मुझे ना घर छोटा सा लग रहा है। अरे वाह, अरे अच्छा, कल तक अरे नहीं अब कल तक तो सब ठीक था कि छोटा कैसे घर, ओके घर एकदम। अरे पागल हो गया, अब ये घर क्या, ये इलाका, ये मोहल्ला, मेरा अपना कारोबार, बल्कि मुझे तो लोग भी छोटे छोटे से लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ अंडों का कारोबार खत्म, मैं एक बड़ा पोल्ट्री फार्म खोलूंगा। पोल्ट्री फार्म का नाम होगा बादशाह पोल्ट्री फार्म, और लंबे एयर कंडीशन वाली गाड़ी लेंगे। अरे एक गाड़ी थोड़ी लेंगे, चार चार गाड़ियां लेंगे, सबकी एक एक गाड़ी होगी। सही कह रहे हो, क्या यार करे, तुझे जाना जल्दी से बाजार से 40 किलो मिठाई लाए। 40 किलो क्या करेगा, 40 किलो इसलिए पूरे मोहल्ले में बांटती है, हमें शो भी तो मार रही है, करोड़पति हो गए। और तू जल्दी आइयो, जा ईसा भी आने वाले होंगे, तूने फोन किया उन्हें? अरे फोन तो मैं चुन 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 आपको पता है आपका दम की वो बॉन्ड खुल गया, पता है मैं। अरे मानते पीर साहब, आइए चलिए तिजोरी खुलवाइए ना। नहीं क्यों, क्योंकि उस बॉन्ड पर किसी आवारा गर्द की घटिया नजर पड़ी हुई है। लेकिन क्यों पीर साहब, और कोई बादशाह के 40वें से पहले तिजोरी को खोलने की कोशिश करेगा तो समझो जलकर भस्म हो जाएगा। मान गया पीर साहब, मान गया। हाँ भाई, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, आप जब खोलेंगे जब ही खुलेगी तिजोरी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हाँ तो ठीक है, मुझे भी अभी उस तिजोरी पर इशार करना है, मेरे साथ चलो। दंग रह जाएगी दुनिया जब खुलेगा अपना प्राइस बॉन्ड। हेलो अहमद जी, जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी खुश हूँ मैं, ऐसे लग रहा है जैसे ईद आ गई हो। हाँ हाँ बॉन्ड खुल। ओए अहमद, मेरी बात कान खोल के सुन ले, तेरा और कायनात का रिश्ता खत्म। अम्मा हमें तुम जैसे गरीबों को मुंह नहीं लगाना, समझे? हाँ तो और क्या, हम करोड़पति बन गए हैं, तुम जैसों ने क्या जहेज की लानत फैलाई हुई है। खबरदार, आज के बाद मेरी बेटी को फोन ना करना, समझे? और तुम भी सुन लो, खबरदार जो आज के बाद इन भीख मंगों से बात की तो। क्या किया अम्मा, मुझसे कौन रिश्ता करेगा? अरे चुप, खबरदार जो अपने ससुराल वालों की हिमायत करी, आज तक खैरियत के दो बोल नहीं बोले। अरे जब भी उन लोगों ने मुंह खोला जहेज की डिमांड की। अब मैं तेरी शादी बहुत बड़े करोड़पति खानदान में करूंगी, बस बादशाह का 40वां हो और तिजोरी खुल जाए, फिर तू देखियो तेरी जहेज की लिस्ट ये देख। वाह 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 वाह, शाबाश। अरे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। अजीब टेंशन आ गई है यार, एक तरफ प्राइस बॉन्ड का मसला, दूसरी तरफ चांदनी की नाराजगी, बादशाह के 40वें पर मेरा जलील होना तय है। ये सब तुम्हारी मनहूसियत का असर है, ना तुम मेरी जिंदगी में आते, ना ही एक के बाद एक दुख मुझे देखने को मिलता। पर मैंने क्या कर दिया? मेरा मेडिकल टेस्ट में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, बस एक नंबर से रह गई। अदनान,
चांदनी। यानी अगर अदनान का नाम इस लिस्ट से हट जाए तो चांदनी का नाम ऊपर आ सकता है। एक चांस अभी बाकी है राजा में। अरे खाए खाए अंकल, खाए खाए खाए। बेटा नहीं, मैं शुगर का मरीज हूँ, शुगर बढ़ जाएगी, ना करो। अरे डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले मैं आपकी शुगर का इलाज करूंगा, क्योंकि मेरा नाम मेडिकल लिस्ट में आ चुका है। अच्छा बेटा, हम तो समझो तुम्हारा कहीं रिश्ता तय हो गया है। वो भी हो जाएगा, बस आपकी हाँ की देर है। मेरा मतलब है मैं आपका बेटा अदनान, जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो अच्छी लड़की से रिश्ता भी हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, बस तुम जाओ जाओ। ओके बाय बाय। क्या अल्लाह, क्या हो गया ये। बेटा सॉरी बाबा, सॉरी कि मैं आपका ख्वाब पूरा नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बेटे, तो हो जाता है, मगर देखो तुम उदास मत हो, फिर कर लेंगे बेटा। अरे मेरी बात सुनो चांदनी, अरे चांदनी, अरे ओ मेरे खुदाया, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं बेटे, सोचो वो जो मिठाई वाले के ऑर्डर दिया था वो मैं कैंसिल कर दूं। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी का लिस्ट में नाम आ जाएगा, मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, लेकिन मेरी किस्मत खराब है, मेरे ख्वाब टूट गए, मेरी बच्ची का लिस्ट में नाम ही नहीं आया। कोई बात नहीं अंकल। अरे कोई बात कैसे नहीं है बेटा, मेरे ख्वाब तो टूटे से टूटे, उसके साथ मेरी बेटी गिरची गिरची हो गई है। अब तो चांदनी भी मेरी है, मैं डॉक्टर भी बनूंगा, चांदनी भी मेरी, मैं डॉक्टर भी खोलो भाई यार, मुझे कितना अगवा कर लिया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है भाई। अरे खोलो यार, यहाँ तो भूत भी है, कुत्ते भी है, डर लग रहा है। अबे भाई खोल यार, अरे रेली जी सर। भाई दिस इज इम्पॉसिबल, ये तुमने कैसे कर दिया भाई, कमाल किया। एक मिनट चांदनी, अरे चांदनी बाबा, बेटा बात सुनो जरा। अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, मैं तो कहता हूँ मैं तुमको नाकारा समझा करता था है। ये तो वो निकला कि अगर मेरा सगा बेटा भी होता ना तो ये काम नहीं कर सकता था। हाँ बस क्या मतलब? अरे मेरी बच्ची अब तुम डॉक्टर बनोगी, मेरा ख्वाब पूरा कर दोगी। तुम्हारा नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ गया चांद। तुम चुप रहो बाबा, ये झूठ बोल रहे, बड़ा धोखेबाज है। अरे नहीं भाई, मैंने खुद जाके देखा है, लिस्ट में नाम है तुम्हारा। बड़ी ऊंची सोच लगाई होगी इसने, है ना? और असल बात तो ये कि इसने फी का चालान भी भर दिया है। क्या? हाँ? बेटा ऐसा क्या किया तुमने? ये तो इम्पॉसिबल काम। मैं संकल्प कुछ है रास्ते, कुछ सोर्सेस वक्त आने पे इस्तेमाल करता हूँ। हाँ भाई हाँ, ये बात तो है। अब वैसे भी अब तुम करोड़पति बन चुके हो, बात में वजन आ गया तुम्हारे, है ना? जी, है? जी, जी, अब जी, मैंने जी, तो सुना कि तुम्हारी अम्मा ने जो जो जो, जो वो लिया था ना प्राइज पॉन्ड, हाँ, वो तुम्हारी बर्थडे के ऊपर डेट पे नंबर रख के लिए थे। यू आर वेरी लकी, बहुत लकी है भाई, बहुत है। तुम ऐसा करो, इसका शुक्रिया अदा करो, मैं मिठाई का ऑर्डर देता हूँ। I'm sorry. अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत लकी। अरे मेरे लकी बेटे, मैंने अपने वो अंडे वाली गाड़ी बेच दी। मतलब क्यों है? अबे मतलब पापा क्या गाड़ी बेच दी तो मार्केट से अंडे कैसे लाओगे? लो हम करोड़पति बनने वाले हैं बेटा, हमें उस खटारा गाड़ी की क्या जरूरत है? और वैसे भी हमने दावत देनी है सारे मोहल्ले वालों को, तो रब्बा को मौका मिला उन्हें पोने पेट
बिल्कुल नया काम। अब वैसे तू नियाज अंडे वाले का बेटा नहीं कहलाएगा, अब तू कहलाएगा 7 करोड़पति का बेटा। जज्बाती हो रहे हो अम्मा तुम लोग यार, क्यों क्यों जज्बाती हो रहे? कभी गाड़ी भेज रहे हो, कभी घर भेज रहे हो, हौसला। बेटा हम 7 करोड़ की आसामी है बेटा, चेंज आ रहा है, चेंज। अब चेंज आएगा तो सब चीज बदलेगी। मैं तो सोच रहा हूँ तेरी अम्मी को भी बदल ले। खबरदार नियाज अहमद, जो ऐसा सोचा भी पीर साहब से कह के वो हॉल कराऊंगी, याद रखेगा। नहीं नहीं बदलूंगा नहीं, भारी रखूंगा, मैं मजाक कर रहा था। है बेटा हमारी किस्मत बदल रही है, अच्छे दिन आ रहे। मैं तो सोची मैं भी जरा मॉडर्न हो जाऊं, है मैं कहती किसी पॉलर वाले को बुला लेते। हाँ माँ, अब तो मेरे लिए भी ना करोड़पति लड़का ढूंढ लेना। अरे तू फिक्र क्यों करती है, एक दफा बादशाह का 40वां हो जाने दे, देख फिर कैसे रिश्तों की लाइन लगती है करोड़पतियों वाली। चल चल पार्लर चलते, चलते। अरे ये सब तो अमीर होने के चक्कर में बावले हो रहे हैं, क्या करूं कैसे बताऊं इनको कि प्राइस बॉन्ड तो बेच दिया मैंने, तिजोरी तो खाली है। अरे भाई सही से रूलर लगा, कॉलर से आई है। बहुत मजबूत घर बना हुआ है, अब्बा ने बनाया था 40 साल पुराना। हाँ बेहतरीन, अब फौरन इसको 20 लाख में आगे कर दो, ठीक है? ठीक। और जैसे बैंक से हमें बॉन्ड के पैसे मिलेंगे हम बंगले की पेमेंट कर देंगे, अगर 20 के 19 भी मिले ना बेच देना, फिक्र ना करना, माल बहुत है अपने पास। चलो सही है, जा जा शाबाश, तेरा कमीशन मिल जाएगा तुझे। इधर आओ भाई, तुम लोग सारे पुराने कपड़े डाल दिए ना, मुझे एक पुरानी चीज नजर ना आए, अच्छी तरह से डाल के बांध करके इस घर से ले जाओ, मैं और भी निकालूंगी बुला लूंगी वापस। ओहो पुराने कपड़े दे दो दे दो। ओ बात सुन, मेरे सलवार कमीज भी पड़े हैं, वो भी ले जाना पुराने। हे राजा, मम्मी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, रूलर लगे, सज रही हैं, खेल रही हैं। पर अब्बा को तो देख कैसे टेडी मालूम लग रहे हैं। तू भी जाके ले लेना 2-4 टेडी कपड़े, हाँ फैमिली टेडी लगनी चाहिए ना, अच्छे से लगा। अबे राजा कैसा लग रहा हूँ। हाँ बानो, वो नई गाड़ी लेकर आए मुझे दिखाने, जरा देख के बयाना देकर आ रहा हूँ उसका भी। अरे दे देंगे, जाओ जाओ, मेरी इज्जत है मोहल्ले में, हाँ ऐसा ना हो मेरी बेइज्जती हो जाए। सुन तेरे पास नया मोबाइल है ना, उससे मेरी पिक्चर भी खींच लेना। वो पीछा वो तिजोरी में से बॉन्ड निकाल के उस पे दम कर देना। ये क्या है, ये तो कुछ नहीं। जुम 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 जुम। कल 14वीं की रात है और कल 40वां भी है, प्राइस बॉन्ड हम तिजोरी में से कल ही निकालेंगे। हाँ उससे पहले बरकत के लिए हम एक चिल्ला काटेंगे। हाँ अरे जिन 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 जैसा आपका हुक्म पीर साहब। जंग रह जाएगी दुनिया जब खुलेगा अपना प्राइस बॉन्ड। बानो की जबान पे भरोसा कीजिए। अच्छा ये अभी दे रही हूँ, बांध खुलेगा ना तो और भी दूंगी। अपनी अम्मा का दाखिला करा अस्पताल में, ऑपरेशन कराऊंगी तब भी पैसे दूंगी, समझी? चल अब जा घर। वाह भाई, देख रहे हो भाई सब कुछ बदल गया है, पहले अम्मा कर्जा लेती थी अब अम्मा कर्जा दे रही है, और अब्बा का कारोबार भी बदल गया, पहले अंडे बेचते थे अब मुर्गियों का कारोबार करेंगे। और आपको पता है इसी हफ्ते मेरे 2 रिश्ते भी आ गए। क्या कर रही है अम्मा? अरे छत का ही तो आसरा था, वो भी बेच डाली आपने। चुप, छत का साया बढ़ाया, हम करोड़पति हो गए, इस छती से तो हमें मिली है छप्पड़ फाड़ के इतनी दौलत। हम नए घर में शिफ्ट होंगे, और हाँ जब तक हम नए घर में शिफ्ट नहीं होंगे ना, मैंने सोफे और लैंप मंगा लिए ताकि मोहल्ले वाले आएंगे मुबारकबाद के लिए तो उन्हें पता तो चले कि हम लोग अमीर हो गए। अम्मा हाँ? अभी भी उतार दे, क्या लगा के रखा हुआ है? अरे कमबख्त मारी, पॉलर वाली कह के गई थी कि रूलर कल निकालना। सलाम अलैकुम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, इतना बड़ा इनाम निकल आया आपका। आपको भी खैर मुबारक। भाई साहब कहाँ हैं? अरे आए ना, वो तो अंदर लेते हैं, आजे आजे। हाँ हाँ आई आई।
राजा, एक बात फिर बहुत बहुत मुबारक हो। सब खैरियत तो है ना? न जाने भाई को क्या हो गया, जब से हमारा बॉन्ड खुला है बदल गए, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहते। शायद अकल आ गई। कैसे गई अकल? अरे राजा कितना मतलबी और धोखेबाज है। बुरे वक्त में उसका साथ दिया और प्राइस बॉन्ड में नाम निकला तो हमें कटा दिया। खबरदार जो राजू किसी ने कुछ कहा तो, वो बहुत अच्छा इंसान, वो मेरा मोहसिन। मोहसिन क्या मतलब? हाँ, राजा मेरा मोहसिन है। अगर आज मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ तो वो सिर्फ राजा की वजह से। राजा एडमिशन क्या मतलब? हाँ, राजा ने बहुत हाई सोच लगा के मेरा एडमिशन करवाया। अब तुम लोग भी इसके बारे में बकवास करना बंद करो और कुछ सीखो उससे। सुना, अब समझा? अबे तेरे साथ हाथ हो गया है। उसका एडमिशन कराने के लिए राजा ने तुझे अगवा किया था। उसने मेरी खुशियाँ, मेरा मुस्तकबिल सब कुछ तबाह कर दिया। मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। हम राजा से उसका सब कुछ छीन लेंगे। फिर झुनझुन वाला स्पीकिंग। अरे डॉन, आपका डंका तो पूरे शहर में बजता है। आप तो ना हम चू कर सकते हैं और ना जा कर सकते हैं। समझो कि 10 करोड़ रुपए में डील डन, बॉन्ड आपका हुआ, तिजोरी भी और बॉन्ड भी। हाँ आप समझो कि लोग हमारे पास आएंगे और अपने बॉन्डों पे दम करवाएंगे। पीर झुनझुनवाला, कल हम जाएंगे बानो के घर पे और तिजोरी वहां से ले उड़ेंगे। आ गए भाई करोड़पति आ गए। अरे मेरे शहजादे, मेरे बच्चे, तू सो रहा है? अबे उठ जा। अरे आज तो नोटी नोट आने हैं, करोड़पति बनने जा रहे हैं। अबे दौलत की देवी तेरे घर में आई हुई है, उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा। राजा उठ ना, तैयार हो? करोड़पति बन गए, देख करे बाबा भी कितने तैयार है। साईं को दिल का दौरा पड़ गया, चोरी चोरी हो गई। क्या क्या हम डूब गए मालूम, अंडों का सस्का दे देना। बच्चे भी नहीं रहे अब तो। कर्जदारों से छुपते फिर रहे हैं। वो गाड़ी का ऑर्डर दिया था ना, नहीं आगे घर पे लेने पैसे। चलो हाय हमारी किस्मत। मैं काम करती हूँ राजा, मैं कायनात से कहती हूँ अहमद से फिर बात करना शुरू कर दे, कुछ तो बच जाए, रिश्ता ही बच जाए। अबे भाई तिजोरी खुल नहीं रही, क्या करें? करना क्या? क्या वो राजा को पकड़ के लाते, उसी के पास तिजोरी की चाबी है। राजा को कबूतर है क्या जो उसे पकड़ के लाएंगे? अबे पकड़ने का मतलब है अगवा करते हैं साले को, जैसे तुझे अगवा किया था ना उसने, हम उसको अगवा करेंगे। एक दुआ मांगी थी तुझसे खुदा, कि या तो प्राइस बॉन्ड वापस दिला दे या फिर सच बोलने की हिम्मत दे दे। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे सबको दुखी कर दिया मैंने, सबको खुश करने की वजह बना देना मुझे। दिल से माफी मांग रहा हूं, कसम से वादा, सॉरी प्लीज। वर्तमान से लाना नासर धोबी सबको पटका लगाता है, आज तूने नासर धोबी को पटका लगा दिया। हाँ। तो कोई बहुत पहुंची हुई चीज लगता है।
ऐसा कर मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। छटिया माफ कर, छोड़ना चल। अरे छोड़, तुम्हारी अरे किसने पकड़ लिया मुझे? अब कोई है? ओ भाई साहब, अरे आपकी फिल्म देखी है मैंने। अरे आप अंग्रेजी फिल्मों में आते हैं ना, बड़ा फैन हूं मैं आपका। अब ये फिल्म भी देख। अबे सालो तुम लोग, अबे कैसे घटिया दोस्त हो यार, अपने ही दोस्त को पकड़ लिया। अबे हमें तुझे दोस्त कहते हुए शर्म आती है साले, चांदनी के चक्कर में हम दोनों का पत्ता साफ कर दिया तूने, जन्म इंसान। अच्छा ना, हो गया तो होना था, बताओ क्या करना है। ओए चल तिजोरी की चाबी दे। देख तिजोरी की चाबी लेने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तिजोरी तो खाली है। चकमा ना दे, तिजोरी की चाबी दे और ये प्राइस बॉन्ड हमारा है। सबसे पहले मुझे अब्बा के लिए ना घर टैक्सी खरीदनी है और मेडिकल सीट लेनी है। देख मेरे भाई, अगर प्राइस बॉन्ड असल में खुलता ना तो मैं तुझे खुद मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाता और तेरे अब्बा को तीन तीन टैक्सियां दिलवा देता। और ये नाटक कर रहा है, ऐसे नहीं मानेगा, तलाशी ले इसकी। तलाशी लो, चल चल। अबे मिल गया, मिल गया, मिल गया। अभी तो खाली है। नहीं 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 नहीं, तिजोरी की चाबी है। चल 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 चल। अबे ये तो खाली है। अबे अबे कहाँ था ना खाली है, क्योंकि प्राइस बॉन्ड बेच के तो मैं पहले ही चांदनी को अंगूठी लेके दे चुका हूँ। भाई झूठ बोल रहा है। अबे वो झूठों के सरदार, लड़कियों से फ्लर्ट करते करते अब तू हम पे पैतरे जमा रहा है। नहीं नदीम, इसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है और इस बॉन्ड खुलने की वजह से ना ये ज्यादा परेशान हो गया है। देख ये होता है सच्चा दोस्त। देख किसी को तो मेरी बात समझ आई, अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। ठीक हो जाएगा भाई, ये सच कह रहा है। हाँ चल। अबे कहाँ, अबे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अबे मुझे तो, अबे झाका रहे हो तुम लोग, खोलो। हाँ यार भूल गया भूल गया भूल गया, मैं भूल गया। खोले भी हम, खोलना भी पड़ेगा अभी से। तुम तुम्हारी अंगूठी खरीदने के लिए मैंने प्राइस बॉन्ड बेच दिया, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी मोहब्बत की ज्यादा अहमियत थी। चोरी तुमने की और नजरें मेरी झुक गई, क्योंकि चोरी की वजह मैं हूं ना। अपनी फैमिली को दुख दिया। फैमिली का दुख नहीं पूरा कर सकता, हाँ लेकिन मैंने वो बंद तिजोरी बेच दी पीर साहब को 20 लाख में, ताकि अदनान के अब्बा को टैक्सी मिल जाए, अदनान को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन। पीर साहब फिर रहे होंगे मारे मारे बंद तिजोरी खुलवाने के लिए, इतनी सजा तो मिलनी चाहिए ना उस फ्रॉडिये को। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली बेटा, तुम्हारे घर वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, उनकी खुशी की खातिर अपना सब कुछ बेच दिया, और बजाय इसके कि वो तुम्हारे साथ खड़े होते उन्होंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। फिक्र ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, तुम्हारी शादी की बात मैं करूंगा। जिन जिन जुम 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 जिन जिन, तो चोरी का मुंह खोला जाए और बॉन्ड हमारे हवाले किया जाए। जिन जिन जुम जुम जिन जिन जुम जुम, अब आएगा मजा। मेरा बॉन्ड लानत। हमारे पास तो अब हमारे लकी बेटे के सिवा कुछ नहीं है। चांदनी बेटा मुझे बहुत पसंद है,
मैं बहुत चाहती थी कि मैं उसे अपनी बहू बनाऊं, लेकिन हमारे पास तो खुद रहने का ठिकाना नहीं है, मैं इसे कहाँ रखूंगी भाई साहब? हमारा घर हुआ करता था ये, जज्बात में आके घर भी भेज दिया, अब भुगत रहे। देखिए भाई साहब, मुझे मेरी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी हालात एक से तो नहीं रहते कभी भी, मेरे लिए तो यही बहुत इज्जत की बात है कि मेरी बच्ची घर में बहू बन के आएगी। वाह मास्टर साहब, जीते रहिए। शुक्रिया अंकल। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त जब सब लोगों ने मुंह मोड़ लिया, आप इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रहे, आपने हमारा दिल जीत लिया। आज अगर हमारे पास प्राइज बॉन्ड होता तो वो हम आपको दे देते। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बच्ची। माँ बाप, अहमद की कॉल आई थी, उन्होंने जेएस की लिस्ट में कुछ और सामान लिखवाया है, ये लिख दीजिए। खबरदार, कोई लिस्ट मिस नहीं बनेगी अब जेएस की, समझ गई? अगर उन्हें मेरी बेटी चाहिए तो सिर्फ दो कपड़ों में दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास दो जोड़े कपड़े और दुआओं के सिवा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मास्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब इस वक्त मिठाई तो आ नहीं सकती। बेबी जाओ, कुछ अंडे रखे हुए उसका हलवा बना के लाओ। मैं भी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मेरे पास नहीं पैसे, मैं लाता हूँ मिठाई। अच्छा? अच्छा, अरे भाई वाह, हमारे शहजादा लाएगा, जल्दी पकड़ ले। ये वॉलेट मेरा नहीं है, है? प्राइस बॉन्ड? एक मिनट। टू सेवन फोर नाइन सिक्स फोर, अरे बॉन्ड लग गया। क्या? अरे लग गया बॉन्ड। Up and up.